ऑलराइट, सो एज प्रॉमिस्ड इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने PS4 प्रो को जेलब्रेक। तरीका तो बहुत ही सिंपल है बट आपको केयरफुली फॉलो करना पड़ेगा। एंड आई विल रिकमेंड कि तुम ये प्रोसेस ठीक से देख लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम ये खुद से कर सकते हो या नहीं, नहीं तो फिर दुकान वाले के पास से जाके करवा लेना। अब यहाँ जेलब्रेक करने के लिए हम लकफॉक्स पीको वाला मेथड यूज करने वाले हैं। इसमें आपको चार चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें ये डिवाइस चाहिए, लकफॉक्स पीको। अब तुम्हें इसके 4 से 5 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं बट तुमको वही वेरिएंट लेना है जिसमें इंटरनल फ्लैश मेमोरी होती है एंड ईथरनेट का पोर्ट मिलता है। तो तुम्हारी स्क्रीन पे अभी 3 मॉडल्स दिख रहे होंगे, लकफॉक्स पीको प्लस, पीको प्रो एंड पीको मैक्स। इनमें से तुम कोई भी ले सकते हो, सारे काम करेंगे। वैसे मेरे पास तो ये मैक्स वर्जन है बट कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि तुम लकफॉक्स पीको प्लस वाला वर्जन ले लो, क्योंकि इन तीनों में से सबसे सस्ता वही है एंड काम तो सेम ही करेगा। एंड इससे पहले कि तुम कमेंट्स में नदियां बहा दो कि कहां से मिलेगा, तो तुम सबसे पहले तो अपने घर के आसपास लोकल स्टोर्स में देख लो। अगर वहां नहीं मिला तो मैंने एक ऑनलाइन स्टोर की लिंक नीचे दे रखी है जिनकी प्राइसिंग मुझे काफी रीजनेबल लगी। एंड उसके ऊपर से मैंने एक कूपन कोड भी दे रखा है प्राइस को और कम करने के लिए। अब इनके पास पीको प्लस का एक लिमिटेड स्टॉक आने वाला है तो तुम जल्दी से ऑर्डर कर सकते हो। अब तुमने लकफॉक्स पीको तो ऑर्डर कर लिया, अब तुम्हें दूसरी चीज चाहिए, USB-C to USB-A केबल जो लकफॉक्स को PS4 से कनेक्ट करेगा एंड पावर देगा। तीसरी चीज चाहिए आपको एक ईथरनेट केबल जो आपके एक्सप्लॉइट को लकफॉक्स से कंसोल में भेजेगा। लास्टली आपको पेन ड्राइव चाहिए, किसी भी साइज का चाहिए, बिकॉज उसमें आपको एक गोल्ड हैंड पेलोड को अपलोड करके कंसोल में डालना पड़ेगा। एंड इसकी जरूरत केवल आपको एक बार पड़ेगी, उसके बाद ये यूज नहीं होगा। तो बस हमें ये 4 चीजें चाहिए किसी भी PS4 को जेलब्रेक करने के लिए। यार ये ध्यान में रखना कि ये ट्यूटोरियल केवल वर्जन 11.00 वालों के लिए ही है। अगर आपके पास इसके नीचे का कोई वर्जन है तो पहले आपको अपने वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा 11.00 पे, तब फिर आप जेलब्रेक कर सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। बट ध्यान रखना कि सोनी के सिस्टम से जाके अपडेट मत करना, 11.00 को अपडेट करने का एक प्रोसेस अलग है। अगर तुम्हें उसका वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। तो चलो अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिकली मैं यहाँ पे GitHub के पेज पे हूँ। एंड बिफोर वी डू एनीथिंग, अ बिग शाउट आउट टू ऑल द डेवलपर्स कि इतना भला काम कर रहे हो यार तुम लोग। वी लव यू गाइस सो मच। इनकी रेस्पेक्ट में यार एक लाइक तो बनता ही है। तो चलो Part 1 स्टार्ट करते हैं। एंड बाय द वे, ये जो सारी लिंक्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी, तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो Part 1 स्टार्ट करते हैं। तो Part 1 के लिए आपको 3 फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी। जो सबसे पहली फाइल है वो एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। सो बेसिकली ये जो आर के ड्राइवर असिस्टेंट है, आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड कर देना है। तो ये सॉफ्टवेयर आपके विंडोज PC में ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर देगा। अब जो इसका दूसरा फाइल है वो SOC टूल किट है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर यूज होता है आपके लकफॉक्स पीको में फर्मवेयर को फ्लैश करने के लिए। तो आप यहाँ क्लिक हियर टू डाउनलोड कर दीजिए, ये भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब जो हमारी तीसरी फाइल है वो है लकफॉक्स के फर्मवेयर की इमेज फाइल। तो देखो, आप इसको 2 तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो तुम यहाँ पे लकफॉक्स के पेज पे जाके ये इमेज डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। एंड दूसरा है जो आप GitHub पे जाके यहां से इनके इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहां देख सकते हो पीको प्लस एंड प्रो मैक्स की इमेज है। प्रो एंड मैक्स दोनों की इमेज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी, आपका जो भी मॉडल है उसके हिसाब से। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि तुम GitHub पे करना, बिकॉज ये जो इमेज फाइल है यहां पे डेवलपर्स ने इसको थोड़ा कस्टमाइज किया है ताकि ये जेल ब्रेक के लिए ऑप्टिमाइज रहे। तो अब मेरा जो मॉडल है वो मैक्स मॉडल है, तो मैं यहां पे लकफॉक्स प्रो मैक्स की इमेज डाउनलोड कर लूंगा। तो ये भी मेरा डाउनलोड हो गया। तो मैंने अपनी सारी डाउनलोडेड फाइल को डेस्कटॉप पे रख लिया। आप किसी भी फोल्डर्स में रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मैंने उनको अनजिप कर लिया है। तो चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ड्राइवर असिस्टेंट में। ड्राइवर असिस्टेंट के फोल्डर पे जाते हैं, आपको ये .exe फाइल देखने को मिल जाती है। इस पर राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। तो इसको हमने येस कर लिया। एंड अब ये प्रॉम्प्ट में आपको इंस्टॉल ड्राइवर पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको ये क्लोज कर देना है, दूसरा विंडो क्लोज कर देना है। अब हम चलते हैं सेकेंड फाइल पे जो है SOC टूल किट। अब SOC टूल किट पे आपको जाके अगेन सेम थिंग, SOC टूल किट की जो .exe फाइल है उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। एंड इसको यस कर देना है फिर से। तो आपका एक ऐसा विंडो प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो देखिए, अभी ये सबसे पहले चिप के बारे में पूछ रहा है कि आपको कौन सा चिप है। तो इसमें अगर आप पीको प्लस ले रहे हैं तो आपकी जो चिप होगी वो RV1103 है। मेरा जो पीको मैक्स है तो ये है RV1106। तो मैं वो सेलेक्ट करके इसको ओके कर लेता हूं। अब अपने लकफॉक्स को आपको विंडोज PC या लैपटॉप से कनेक्ट करना है। उसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपना USB-C to USB-A केबल लीजिए, USB-C को कनेक्ट कर दीजिए लकफॉक्स से।
एंड इसमें जो पावर का बटन है उसको दबा के रखना है जब आप यूएसबी ए वाला जो पोर्ट है वो कंप्यूटर पे प्लग इन कर रहे हैं। तो ध्यान रखें कि दोनों साथ में होना चाहिए। तो आप जैसे ही करते हैं तो आपका देखिए ये यूएसबी पोर्ट डिटेक्ट हो गया है मास्क रोम 24। अगर आपका ये डिटेक्ट नहीं करता तो आप वापस से अपने पावर बटन को प्रेस करके साथ में ही यूएसबी ए को प्लग इन कीजिए। एंड ये जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, 24 की जगह 22, 23, 24, 5, कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड। तो अब दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको ये रिसेट पे चेक कर लेना है ताकि आप पूरे लकफॉक्स पीको को रिसेट करना चाहते हैं। अब आपका ये सॉफ्टवेयर रेडी है, आपको चलना है जो थर्ड फाइल आपने डाउनलोड की थी फर्मवेयर की उस पे जाना है। तो यहाँ पे ये जो मेरी थर्ड फाइल थी मैंने इसको ऑलरेडी अनजिप कर लिया था, तो अब मुझे यहाँ सॉफ्टवेयर में जाना है, इसके सर्च पाथ पे जाके आपको वो फोल्डर को लोकेट करना है। तो मेरे लिए वो फोल्डर डेस्कटॉप में लकफॉक्स प्रो मैक्स इमेज है, तो मैंने ये फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया। तो आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा कि डू यू वांट टू रीलोड द एनवायरनमेंट, यस आपने ये कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे नेम के बगल में आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, आप इसको यहाँ पे चेक कर दीजिए। तो इसकी वजह से आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। अब आपकी सारी फाइल सेलेक्टेड हैं, आप इसके डाउनलोड के बटन को आप दबा दीजिए। तो बेसिकली अभी आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो फ्लैश हो रही हैं आपके लकफॉक्स पीको पे। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, जनरली आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है यहाँ पे। तो अभी आपने फर्मवेयर को सक्सेसफुली फ्लैश कर लिया है, तो उसके बाद अभी आपको सर्च बॉक्स में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है ncpa.cpl। सो बेसिकली ये जो कमांड है ये आपको कंट्रोल पैनल में इंटरनेट ऑप्शंस में नेटवर्क कनेक्शन पे लेके जाएगा। जैसे मैं हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नेटवर्क कनेक्शन ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कि कौन सा ऑप्शन ये रिमोट NDIS बेस्ड इंटरनेट शेयरिंग लिखता है। तो ये जो बेसिकली है ये आपका लकफॉक्स पीको है। तो अगर आपका ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप वापस से उसको कनेक्ट कीजिए। एंड इसमें अभी ईथरनेट कनेक्ट नहीं करना है, केवल आपका जो यूएसबी सी से यूएसबी ए का केबल है बस वो अपने लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए या पीसी से कनेक्ट कीजिए। एंड आपको ये थोड़े टाइम के बाद ये दिखने को मिल जाएगा। अब इस पे जाना है NDIS पे, इस पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है आपको। एंड प्रॉपर्टीज में जाके आपको ये फोर्थ ऑप्शन जो है प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 यहाँ पे जाना है। अब एंड इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस यूज करना है। एंड यहाँ पे टाइप करना है 172.32.0.100। ये करने के बाद आपको सबनेट में मास्क में जाना है, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली फिल इन हो जाएगा। एंड इसके बाद ओके कर देना है एंड इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। सो बेसिकली आपका पार्ट वन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे आपने फर्मवेयर को फ्लैश कर दिया एंड इसका ईथरनेट को कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट टू की तरफ, जहाँ पे हम इसमें एक्सप्लॉइट की फाइल को अपलोड करेंगे लकफॉक्स पीको में। तो हम अपने ब्राउजर पे वापस आ गए हैं। अब पार्ट टू के लिए आपको 2 फाइल्स चाहिए बेसिकली। तो जो सबसे पहली फाइल है इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, मोबा एक्सटर्म। यहाँ पे आपको मोबा एक्सटर्म का पोर्टेबल एडिशन जो है ये डाउनलोड कर लेना है। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको एक्सप्लॉइट फाइल को फ्लैश करने में मदद करता है लकफॉक्स पीको पे। एंड जो दूसरा है वो है आपको एक्सप्लॉइट की फाइल। तो वापस से आप गिटहब के पेज पे आ जाइए, जो रिलीज वर्जन है आप वहाँ पे जा सकते हैं। एंड रिलीज में आपको जो सारे असेट्स हैं यहाँ पे आपको PPPwn लकफॉक्स का V1.2.2 दिखेगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो बेसिकली आपको ये 2 सॉफ्टवेयर चाहिए पार्ट टू की प्रोसेस के लिए, जिसको हम अपने डेस्कटॉप पे लेके आ गए हैं एंड हमने अनजिप कर लिया है। एंड यहाँ पे जब आप PPPwn लकफॉक्स वाली फाइल को अनजिप कर रहे होते हैं तो इसको अनजिप करके इसका जो नेम है आपको वो चेंज करना है। इसमें जो बेसिकली लकफॉक्स के बाद जितना कुछ लिखा है वो डिलीट कर देना है। तो इसका नाम केवल होना चाहिए PPPwn-lukfox, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको रीनेम करना है। इसके बाद हम मोबा एक्सटर्म पे जाते हैं। मोबा एक्सटर्म पे आपको ये .exe फाइल देखने को मिलती है। अब इस फाइल को आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मत करना, बिकॉज कई कई बार वो फाइल को ड्रैग करने में इशू होता है आगे जाके। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको जस्ट डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है। तो आपको ये जो सॉफ्टवेयर है ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेशन में जाना है। सेशन में जाने के बाद SSH वाले ऑप्शन में जाना है। एंड यहाँ पे जो सबसे पहला रो है रिमोट होस्ट का, यहाँ पे बेसिकली आपको इसकी स्टैटिक IP डालनी है लकफॉक्स। इसकी स्टैटिक IP जो है वो है 172.32.0.93। आप देख सकते हो ये इसकी स्टैटिक IP है। स्पेसिफाई यूजर नेम को मैंने चेक कर लिया एंड यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख लिया रूट, सारा कुछ स्मॉल लेटर में। एंड पोर्ट को मैंने 22 ही सेलेक्ट रहने दिया। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ।
ओके करने के बाद आपको सर्वर आइडेंटिफिकेशन हैज चेंज, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड बेसिकली इसका लक फॉक्स ही है, सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में। तो आपने लक फॉक्स डाला, इसको एंटर कर दिया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको पासवर्ड सेव करना है, तो मैं अभी के लिए नो कर देता हूँ। अब मैं अपने लक फॉक्स की डायरेक्टरी में आ गया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक फाइल डायरेक्टरी है, राइट। अब आपको जाना है अपनी एक्सप्लॉइट फाइल जो आपने डाउनलोड करके अनजिप की थी एंड उसको रीनेम किया था, उसको बेसिकली पकड़ना है एंड यहाँ पे ड्रैग करके डाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी सारी फाइल्स अपनी लकफॉक्स पीको में डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने वापस से वेब पेज पे, वापस से हम पीपी पॉन लकफॉक्स के पेज पे आ गए हैं। इसमें आपको नीचे 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 जाना है एंड आपको जाना है पॉइंट नंबर 7। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपको कोड दिख रहा है इसको कॉपी कर लेना है यहाँ दबा के, एंड आपको वापस से मोबा एक्स टर्म पे आना है एंड यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ये आपको मैसेज पूछ रहा है कि आपको पेस्ट करना है, आप इसको ओके कर दीजिए एंड यहाँ पे इसने ये कमांड को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे पेस्ट होने के बाद उसको जस्ट आप एंटर मार दीजिए। तो देखिए आपने जो कमांड डाला है वो अब रन करना है, स्टार्ट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अपने PS4 का फर्मवेयर सेलेक्ट कीजिए। तो मेरा PS4 का फर्मवेयर 11 है, तो मैं ई सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज ई इज़ 11.00। मैंने ई सेलेक्ट कर लिया, तो वो पूछा है कि आपने 11.00 सेलेक्ट किया, इज़ दिस करेक्ट? येस, आई सेलेक्टेड वाई। डू यू वॉन्ट टू यूज़ द वेब सर्वर फीचर्स? यार ये कई लोग करते हैं कई लोग नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे जाके, बट यहाँ के लिए आप वाई या एन जो भी चाहिए कर सकते हैं, मैं फिलहाल के लिए एन कर देता हूँ। डू यू वॉन्ट योर लक फॉक्स टू शट डाउन आफ्टर सक्सेसफुली जेल ब्रेक? आपको अपना लक फॉक्स को जेल ब्रेक के बाद शट डाउन कर देना है ऑटोमेटिकली, मैं उसको येस कर देता हूँ। अच्छा हाँ, अगर आप वेब सर्वर को एन की जगह वाई कर देंगे, येस कर देंगे, तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, वो ध्यान में रखना। तो मैं जस्ट आपको थोड़ा नुआंसेस बता दे रहा हूँ। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट द पीपी पॉन ए एंड बी का। तो बेसिकली आपको बी सेलेक्ट कर देना, बिकॉज जो बी है वो ज़्यादा कॉम्पैटिबल है सारे PS4 मॉडल्स के साथ। तो मैंने बी सेलेक्ट कर दिया। तो अब मुझे ये समरी दे रहा है कि PS4 फॉर्मवेयर जो है 11.00 सेलेक्ट किया है, पीपी पॉन को IPv6 किया है, वेब सर्वर नहीं चाहिए, शट डाउन करना है, येस। आर दी सेटिंग्स करेक्ट? येस। तो आप देख सकते हैं इसने इंस्टॉल कंप्लीट कर दिया है एंड रीबूट कर दिया है, बट रीबूट के बाद मैंने बोला था कि इसको कनेक्ट नहीं हो, तो इसके बाद ये अबोर्ट हो चुका है। तो ये होने के बाद आपका जो लकफॉक्स पीको है वो कम्प्लीटली कन्फिगर हो चुका है पीपी पॉन को रन करने के लिए। तो अब हम यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं एंड अभी तक तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई चीज़ें आपको नहीं करनी थी। अब इस पार्ट टू का जो लास्ट प्रोसेस है उसमें आपको अपनी पेन ड्राइव लेनी है, पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप या पीसी के साथ। तो आपको ये जो USB ड्राइव है सबसे पहले उसको फॉर्मेट करना है एंड उसको फॉर्मेट करना है XFAT फॉर्मेट में, XFAT फाइल सिस्टम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं XFAT फाइल सिस्टम को मैंने सेलेक्ट किया, इसको क्विक फॉर्मेट करके मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अब ये फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है, मेरी फाइल, मेरा जो USB ड्राइव है वो अभी XFAT पे है। अब आपको वापस से पीपी पॉन वाले फोल्डर में जाना है, डबल क्लिक करना है। इसमें आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा USB ड्राइव, यहाँ से आपको ये फाइल पिक करनी है एंड इसको ड्रॉप कर देना है अपने USB ड्राइव में। अब ध्यान रखना है कि इसको किसी फोल्डर के अंदर नहीं डालना है, इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब इसमें जो गोल्ड हैंड का पेलोड था वो आपने अपने USB ड्राइव में भी डाल लिया है। तो यहाँ पे आपका पार्ट टू सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। आपने लकफॉक्स को कन्फिगर कर लिया, आपने पेन ड्राइव को रेडी कर लिया, आपका बहुत बड़ा काम यहां तक हो चुका है। अब हम पार्ट 3 पे अपने कंसोल पे जाएंगे एंड छोटी मोटी सेटिंग करेंगे, बट वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो चलो भैया अपने कंसोल पे चलते हैं। तो अब हम अपने कंसोल पे आ गए हैं। मैंने अपना पेन ड्राइव जो है ये सामने USB A पोर्ट में डाल दिया है। अब ये लक फॉक्स देख रहे हो, इसमें मैंने LAN केबल को अटैच कर दिया है PS4 के साथ एंड इसका जो USB A वाला केबल है वो मैंने PS4 में डाल दिया है ताकि इसको पावर मिलती रह सके। तो आपका ये जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हम जाने के बाद नेटवर्क पे जाते हैं। नेटवर्क में जाने के बाद आप कनेक्ट टू इंटरनेट को चेकबॉक्स कर लीजिए एंड उसके बाद जाते हैं सेटअप अ नेटवर्क कनेक्शन।
यहाँ पे आपको यूज अ लैन केबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड इस वाले जगह पे आपको कस्टम सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको PPPoE सेलेक्ट करना है एंड इस पेज पे आप कोई भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड रख सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। DNS सेटिंग्स ऑटोमेटिक रखनी है, MTU की सेटिंग्स ऑटोमेटिक रखनी है। अब ये जो प्रॉक्सी है इसमें डू नॉट यूज रखना है। अब यहाँ पे टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपका लकफॉक्स काम करना स्टार्ट कर देता है। आप देख सकते हैं कि IP ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल आ चुका है, बट ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है बिकॉज ये लकफॉक्स पीको के साथ कनेक्टेड है एंड अभी ये लकफॉक्स पीको बार बार ट्राई करेगा इसमें एक्सप्लॉइट भेजने का। तो अभी आप देखो एक मैसेज आ गया है, कांट कनेक्ट टू द इंटरनेट। ओके, सो फर्स्ट टाइम में ही लकफॉक्स ने इसको जेल ब्रेक कर दिया है एंड एक बार जेल ब्रेक करने के बाद फिर वो गोल्ड हैंड के पेलोड को अपलोड कर देता है इंटरनल HDD में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि गोल्ड हैंड अपलोड हो चुका है अभी एंड अगर तुम इंटरनेट सेटिंग को चेंज नहीं करोगे, वही लैन वाला ऑप्शन ही रखोगे, तो ये बार बार ऑटोमेटिकली तुम्हारा जेल ब्रेक करेगा जब भी तुम रीस्टार्ट करते हो। तो ये था 11.00 के जेल ब्रेक का ट्यूटोरियल एंड तुम्हें मेहनत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। होप तुम्हें काफ़ी ईजी लगा होगा एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड आई विल सी यू अराउंड।